जय नारायण स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सीखा था कि किस तरीके से हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं जो हमें एक्सप्रेशंस दिए होते हैं उनको। अब हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है हमारा, उसको हम जानने से पहले मैं कुछ आपको पॉइंट्स, कुछ आपको ऐसे चीज़ें बताऊंगी जिनके बारे में आपको नोन होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिया, यू ऑल्सो कैन टेक एनी एक्सप्रेशन। मैंने लिया एक्स माइनस टेन। अब यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू दी कि ये जो एक्स है ये मेरा वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वैल्यू मुझे पुट करनी है। तो मैंने क्या किया, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू है 5 सपोज। तो आप ऐसे सिचुएशन में ये जो वैल्यू गिवन है उसको उस x की प्लेस पे पुट करेंगे, माइनस 10, बाकी एज इट इज कॉपी करेंगे। फिर आपने देखा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गया 5, बड़ा नंबर 10 है, साइन माइनस का। तो ये हम इस तरीके से, हमने एक हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है x माइनस 10 और उसमें x की वैल्यू 5 रखने पे क्या वैल्यू आ सकती है वो हमने लिखा। जो हम x की वैल्यू रखेंगे, मीन्स वेरिएबल की जो वैल्यू हम रखेंगे वही उसका एक्सप्रेशन का आंसर चेंज करता जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन में हम जितनी बार भी वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखें आंसर सेम आए, नहीं, हर वैल्यू पे आंसर चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन की। सपोज आपको दिया हुआ है 2x-4 और यहाँ पे x की वैल्यू उसने दे दी -3। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए ये 2x-4 एक एक्सप्रेशन है जिसे हम और सॉल्व नहीं कर सकते। हमने इसको लिखा 2, अब इस 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मारना और 3 की जगह रखा -3 -4, बाकी कॉपी कर दिया। 3 2 6, +-4, -+ 10, साइन किसका, बड़े नंबर का, -10। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो अननोन वेरिएबल हो वो पॉजिटिव ही हो, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी दी जा सकती है। ये सब जो हम बात कर रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन दिया और उसमें वैल्यू पुट करी और उसके बाद उसका कुछ आंसर आ गया, यही आज का हमारे एक्सरसाइज 12.3 का टॉपिक है कि हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसके लिए जो अननोन वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू गिवन होगी, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, और उसकी वैल्यू पुट करते हुए आपको उस एक्सप्रेशन की वैल्यू, मीन्स ये जो -10 आया है दिस इज द आंसर ऑफ दिस 2x-4 एक्सप्रेशन, ये 2x-4 का वैल्यू है। अब इसमें जो नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा अप क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे आपको 2 वेरिएबल दे देगा और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी, जैसे 2a+2b, ये एक एक्सप्रेशन है। अब उसने यहाँ पे ए की वैल्यू दी 0 और बी की वैल्यू दी -1। हमने क्या किया, हमने कहा 2 वैल्यूज हैं, हमें ये एक्सप्रेशन है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये के साथ बी नहीं ऐड होगा, लेकिन वैल्यूज दी हैं, हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अगेन आपने देखा मैंने बी को -1 को ब्रैकेट में लिखा क्योंकि 2 साइन साथ हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन और माइनस का, इसीलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये 2a 2 into 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर इज 0। फिर यहाँ पे देखिए 2 1 2, +-, 0 में से 2 माइनस करना है तो +-, 2 में से 0 गया बचा 2, भाई 2 में से यदि कुछ भी नहीं जाएगा तो क्या बचेगा, वही नंबर। अब बड़ा नंबर कौन है इनमें, 2, इसके आगे साइन है माइनस का,
तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि दो वेरिएबल्स आपको दिए हों और उन दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू गिवेन हो और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको अल्टीमेटली निकालनी हो। ऐसे ही तीन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, चार वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ ऑल अननोन वेरिएबल्स। जब तक हमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम नहीं सॉल्व कर सकते उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को। नेक्स्ट इसी में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, लाइक टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन। अब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ठीक है, यहाँ पे भी तो दो एक्सप्रेशन, दो अननोन वेरिएबल्स दिए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो आपको डिफरेंस दिखा कि इसमें एक नंबर के ऊपर पावर टू लगी है, एक के ऊपर पावर टू लगी है। अब आप तो इसको नहीं समझ पाएंगे बिकॉज आपने अभी तक एक्सपोनेंट एंड पावर नहीं पढ़ा, लेकिन ये आपका चैप्टर है इस बार आपके टर्म में, कोर्स में। तो अभी के लिए आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जानिए कि पावर टू का मतलब क्या होता है। किसी भी नंबर के, मान लीजिए लिखा है 3 की पावर 2, तो किसी भी नंबर की पावर 2 मीन्स 3 स्क्वायर, किसी भी नंबर की पावर 3 मतलब 7 क्यूब। अब यहाँ पे ऐसी 4, 5, 6 पावर्स होती रहती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर है जितनी उसकी पावर है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करिए। इसका नंबर मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि 3 2 6, इसका मतलब होता है जो नंबर है उसे जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करिए। 3 3 9, 7 पावर 3 मीन्स 7 × 7 × 7, जो नंबर है उसे जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करिए। फिर आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो 7 7 49, 49 7 343, ठीक है। ये मैंने आपको जो चीज बताई ये आपको इस तरीके के स्क्वायर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब यहाँ पे हमें अगेन ए की वैल्यू है हमारी 0 और बी की वैल्यू है -1, तो 2 × a² मतलब 0 का स्क्वायर प्लस b² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या किया, 2 × 0 की पावर 2 मतलब 0 × 0 प्लस -1 × -1 प्लस 1, 2 × 0 0 × 0 प्लस 1 1 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, 0 × 0 0 फिर प्लस 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 1 प्लस 1, 0 में 1 ऐड किया वैल्यू 1 ही होगी प्लस 1, फिर उसके बाद 1 प्लस 1 2। तो हमने यहाँ पे उसको पहले इन दोनों को सॉल्व करके 1 निकाला, देन जो 1 आया उसमें इस 1 को ऐड कर दिया, आंसर आया 2। तो इस तरीके से स्क्वायर पे भी क्वेश्चन, क्यूब पे भी क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं, मतलब पावर लगी होती है। तो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकालने के लिए जाना कि सबसे पहली चीज कि आपको कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, उस एक्सप्रेशन में या तो कोई एक अननोन वेरिएबल होगा, 2 होगा 3 होगा, जितने भी होंगे उन सबकी आपको वैल्यू दी होगी, उन वैल्यूज को आप पुट करेंगे और पुट करके सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के जितने तरीके आज तक आपने सीखे कि दो सेम नंबर साइन अलग अलग हो जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 में किसी नंबर को ऐड करने पे वैल्यू वही नंबर आएगी, ये सब कुछ आपको अपने माइंड में रखना है। पावर वाले क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बताए कि जैसे किसी भी नंबर पे पावर लगी है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी जो एक्सरसाइज है, बेसिकली आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो इसी पे बेस्ड है जो मैंने अभी आपको बताया। यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसमें हमें एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन लिया ये 3x-2 x + 2 + 5x,
माइनस सेवन, हेयर एक्स इक्वल्स टू टू। अब आपको वैल्यू रख के निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है क्या इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख के निकाले या ये खुद अभी सॉल्व हो सकता है। तो आपको मैंने इक्वेशन में भी सॉल्व करना सिखाया था, एक्सप्रेशन में भी सॉल्व करना सिखाया है कि जब भी ऐसा लिखा हो तो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है। 3 × x 3x, 3 × 6 3 × 2 6, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, प्लस 5x माइनस 7। अब 3x और 5x पास में आ गए, प्लस 6 माइनस 7 ये मिलके हो गए 8x, ये हो गया माइनस 1, वैल्यू हो गई 8x माइनस 1। नाउ ये जो एक्सप्रेशन था ये कन्वर्ट हो गया इसमें, कैसे सिंप्लीफाई करके हम इसको यहां तक ले आए। अब ये और ये एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बट अंतर इतना था कि ये एक्सप्रेशन सॉल्व वे में नहीं था, इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब वैल्यू हम पुट करेंगे 8 × 2 माइनस 1, 16 माइनस 1 आंसर इज 15। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया हो वो नेसेसरी नहीं है कि वो कम्प्लीटली सॉल्व हो। आपको यदि उसमें लग रहा है कि उसको अभी सॉल्व किया जा सकता है तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट, देन पुट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल इन दैट एक्सप्रेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट फुल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बेसिकली आपको यही करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको सिंपली यही रूल फॉलो करना है। बाकी 8 आपका पावर से रिलेटेड है क्वेश्चन। एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस पर हम लोगों ने थोड़ा कम बात की है अभी, कि आपको नेगेटिव के नंबर्स जितने भी दिए होंगे, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, दिया है पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, वेयर p इज इक्वल्स टू माइनस 10। अब आप क्या करेंगे, माइनस 10 की पावर 2, भी क्योंकि एक्सप्रेशन सॉल्व तो हो नहीं सकता, सब अलग है, अनलाइक टर्म्स है। माइनस 2 इंटू पी की वैल्यू रखा माइनस 10 माइनस 100, माइनस 10 की पावर 2 मतलब माइनस 10 दो बार मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू माइनस 10 माइनस 100, 10 × 10 = 100, बच्चे गलती कर देते हैं, 10 × 10 = 20 लिख देते हैं, 10 × 10 = 100 माइनस माइनस प्लस, लगाएं चाहे ना लगाएं, यूजुअली हम नहीं लगाते। 2 × 10 = 20 माइनस माइनस प्लस माइनस 100। अब आप देख रहे होंगे तो चाहे तो आप ये कर लीजिए कि इनको पहले ऐड कर लीजिए, दोनों पॉजिटिव हैं, 120 माइनस 100 20 आ जाए, या एक मैंने तरीका बताया था, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव खत्म हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव 100 है ये नेगेटिव 100 है, बचा कौन 20, और वो भी कैसा पॉजिटिव, प्लस का साइन चाहे तो लगा दें चाहे ना लगाए। तो इस तरीके से जब माइनस के नंबर्स होंगे या जो अननोन वेरिएबल की वैल्यू दी है वो नेगेटिव दी होगी, बहुत ध्यान से ब्रैकेट्स को लगाते हुए आपको सॉल्यूशन करना है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आपको इस बात पे दिया हुआ है, 10 में भी आपको सिंप्लीफाई ही करना है और सॉल्व करना है वैल्यू को, लेकिन जो 9 है यहाँ पे अब एक छोटा सा आपको अप लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या होगी इफ 2x² प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 5, वेयर एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है इस इक्वेशन में x ए की वैल्यू क्या होगी यदि x की वैल्यू 0 है। अब आप कह रहे होंगे कि एक्सप्रेशन चैप्टर से इक्वेशन कैसे आ गया, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है,
क्योंकि इक्वेशन से ही एक्सप्रेशन बनता है और एक्सप्रेशन को ही इक्वल टू यदि कुछ नंबर या कुछ और एक्सप्रेशन लगा दे तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो अब इस इक्वेशन की यदि वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आपको दो अननोन वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और ए, लेकिन वैल्यू किसके दी है, सिर्फ एक की। आप उसी एक की वैल्यू को पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुट कर दिया। अब ऐसा करने से आपको उसने पूछा है ए की वैल्यू निकालिए, यू कैन इजीली फाइंड। यदि कोई इक्वेशन दी है और उसमें जितने भी अननोन वेरिएबल हैं, मान लीजिए तीन हैं, तो कम से कम दो की वैल्यू पता होनी जरूरी है। यदि चार एक्सप्रेशन है, चार अननोन वेरिएबल हैं, तो तीन की वैल्यू पता होनी जरूरी है। यहाँ दो अननोन वेरिएबल्स थे एक्स और ए, तो हमें दो में से एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन कब, जब इक्वेशन दी हो। यदि एक्सप्रेशन दिया होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते, वहां हमें जितने भी अननोन वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यू चाहिए। अब हमने यहाँ निकाला 2 × 0 × 0 प्लस 0 − a इक्वल्स टू 5, 2 × 2 = 0 × 0 प्लस 0 − a इक्वल्स टू 5, 0 + 0 − a इक्वल्स टू 5। स्टेप्स को कभी स्किप मत किया करिए, फॉलो किया करिए एक एक स्टेप, उससे आपका सॉल्यूशन कोई भी समझ सकता है। 0 में 0 ऐड किया आया 0, माइनस ए इक्वल्स टू 5, प्लस माइनस माइनस, 0 में से ए गया या ए में से 0 गया तो वही नंबर बचेगा, और साइन माइनस का 5। अब यहाँ पे आपको, क्योंकि इक्वेशन में मैंने आपको बताया था, इवन एक्सप्रेशन में भी बताया था कि जैसे ये है माइनस ए लिखा हुआ है, ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता कभी भी, ये पॉजिटिव ही होगा, तो क्या करें, यहाँ से ऐसे हटा के बस लिख दें, तो गलत है, मैथ्स तो ऐसा कहता ही नहीं। तो मैं इस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव उधर जाएगा तो जो कोई भी साइन है उसको बदल देगा, ये नेगेटिव इधर जाएगा, अभी ये क्या है पॉजिटिव, इसके उधर जाने से वो क्या बन जाएगा नेगेटिव। मान लीजिए यहाँ माइनस का साइन लगा होता और ये नेगेटिव इधर जाता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो ये आपको ध्यान रखना, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये माइनस का साइन इस 5 को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो वो उसके साइन को, जो इंटीजर का रूल है उसी रूल को फॉलो करेगा कि माइनस प्लस अल्टीमेटली माइनस इज पावरफुल। यहां माइनस होता तो माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाते। तो मैं ये कह रही थी कि ये इक्वेशन है और आपको दो नॉन वेरिएबल में से एक गिवन था, एक की वैल्यू आपने निकाल ली, तीन होते यदि अननोन वेरिएबल तो दो दिए होते, एक की वैल्यू आप निकाल लेते। लेकिन सपोज अब मैं इसे इक्वेशन ना बनाऊं, मैंने इसमें से सब में से इक्वेशन का इक्वल टू 5 हटा दिया, अब मैंने आपसे कहा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो अब एक्सप्रेशन के केस में आपको इस दोनों वैल्यू की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यदि आप सिर्फ इसी को रख के फाइंड आउट करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आंसर आपका यही आएगा, जिसकी कोई मतलब, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी थी और वो वही आ गया। जब तक हम एक्सप्रेशन में सारे अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं पुट करेंगे तब तक एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं आएगी। दूसरी बात, जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन में आपको जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं उनमें से मान लीजिए तीन है तो दो की वैल्यू गिवन होनी चाहिए और एक आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो 12.3 एक्सरसाइज थी हमारी, उसमें ये जाना कि किस तरीके से एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन में अननोन वेरिएबल्स को हम फाइंड आउट करते हैं, उनकी वैल्यू को पुट करते हैं और देन उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। की टर्म याद रखिएगा, यदि एक्सप्रेशन है तो सारे अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, यदि एक्सप्रेशन है तो, और इक्वेशन है तो जितने भी अननोन वेरिएबल्स हैं, यदि तीन हैं तो कम से कम दो की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय नारायण।